ऑस्ट्रेलिया ने जब से कोरोना महामारी फैलाने पर चाइना को घेरना शुरू किया है और ये मांग रखी कि एक इंटरनेशनल हेल्थ एक्सपर्ट्स की टीम को चाइना के वुहान शहर जाकर वहाँ पर स्वतंत्र होकर रिसर्च करने की परमिशन मिले, तब से ही ऑस्ट्रेलिया चाइना की नजरों में चढ़ चुका है और अब चाइना ऑस्ट्रेलिया के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। गलवान घाटी की घटना के बाद जितना आक्रामक होकर भारतीय सरकार चाइनीज कंपनियों, चाइनीज प्रोडक्ट्स और यहाँ तक कि चाइनीज इन्वेस्टर्स पर कार्रवाई कर रही है, ठीक उसी तरह का बर्ताव चाइना आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में चाइना ने ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्ट होने वाले बार्ले यानी कि जौ पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन वाइन्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी के साथ साथ टैरिफ को भी बढ़ा दिया। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया से आने वाले रेड मीट पर भी चाइना ने रोक लगाई, वहीं ऑस्ट्रेलिया से होने वाले कॉटन इंपोर्ट्स को भी कम कर दिया और ये माना जा रहा है कि आगे आने वाले समय में चाइना ऑस्ट्रेलिया पर इसी तरह की और भी ज्यादा ट्रेड स्ट्राइक्स कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया फिलहाल तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चाइना की कंप्लेंट करने को तो गया है, मगर वहां से शायद ही ऑस्ट्रेलिया को कोई राहत मिले, क्योंकि WTO रूल्स के दायरे में रहकर भी आज की डेट में दूसरे देश से इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को बाधित किया जा सकता है और चाइना ने भी ठीक वैसे ही किया है। इतना सब होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया चाइना के आगे झुकने के मूड में नहीं लग रहा है। कभी वो साउथ चाइना सी में जापान, अमेरिका और भारत के साथ नेवल ड्रिल्स में हिस्सा ले रहा है तो कभी साउथ चाइना सी में अपनी नेवल प्रेजेंस बढ़ा रहा है। इसी को देखते हुए अब चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को सबक सिखाने के लिए ऑस्ट्रेलिया से टिम्बर इंपोर्ट्स पर रोक लगा दी है, जिससे ऑस्ट्रेलिया के टिम्बर ट्रेडर्स और एक्सपोर्टर्स को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। चाइना ने बहाना मारा है कि ऑस्ट्रेलिया से आने वाले टिम्बर्स की क्वालिटी चेक के दौरान पेस्ट यानी कि ऐसे कीड़े पाए गए हैं जो चाइनीज एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसीलिए यहां पर WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ नहीं कर सकता। ऑस्ट्रेलिया के टिम्बर एक्सपोर्टर्स को भारी नुकसान इसलिए भी उठाना पड़ रहा है क्योंकि वो अपना 100% टिम्बर बस एक ही देश चाइना को ही एक्सपोर्ट करते थे। अब दिक्कत यह है कि टिम्बर यानी कि पेड़ों के कटने के बाद उनके सूखकर खराब होने का खतरा बना रहता है, इसीलिए उनको खुले में ज्यादा देर नहीं रखा जा सकता। तभी उनके कटने के कुछ समय के अंदर ही ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्टर्स सारे का सारा टिम्बर चाइना को एक्सपोर्ट कर दिया करते थे, मगर जब इस बार ये सारा टिम्बर चाइना को एक्सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी है तो चाइना ने इनको मौके पर इम्पोर्ट करने पर रोक लगा दी है, जिससे ऑस्ट्रेलियन टिम्बर एक्सपोर्टर्स को भारी नुकसान हो रहा था। मगर अब ऑस्ट्रेलियन मीडिया हाउस ABC न्यूज के हवाले से ये खबर सामने निकल कर आ रही है कि भारत और भारतीय सरकार ऑस्ट्रेलिया के एक्सपोर्टर्स के लिए मसीहा के रूप में सामने आ गए हैं। ABC न्यूज की रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलियन टिम्बर एक्सपोर्टर्स ने एशिया और दुनिया के बाकी कई देशों का दरवाजा खटखटाया, पर सब जगह से उनको निराशा हाथ लगी। मगर एक अकेला देश अब भारत सामने आ गया है जिसने ऑस्ट्रेलियन टिम्बर खरीदने का फैसला किया है। इसी के साथ ये भी मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि जो बाकी का ऑस्ट्रेलियन सामान है जिस पर चाइना ने रोक लगाई है, भारत वो भी ऑस्ट्रेलिया से खरीदने पर विचार कर रहा है। ABC न्यूज की रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलियन टिम्बर एक्सपोर्टर्स का कहना है कि अब हमारे लिए भारत ही चाइना की जगह ले रहा है, जिसने समय रहते हमारा बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। उनका कहना है कि अगर समय रहते टिम्बर एक्सपोर्ट्स दोबारा शुरू नहीं होते तो बड़े लोगों की जॉब लॉस हो जाती, जिससे आज के मुश्किल समय में बेरोजगारी और भी ज्यादा बढ़ जाती। वैसे जब से क्वाड में भारत और ऑस्ट्रेलिया एक साथ आए हैं तब से दोनों देश और भी ज्यादा करीब हो गए हैं। पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया को मालाबार नेवल एक्सरसाइज में जगह दी, फिर उसके साथ डिफेंस पैक्ट भी साइन किया और अब भारत ऑस्ट्रेलिया को चाइना से ट्रेड वॉर में होने वाले नुकसान से भी बचा रहा है। मगर ये भी सच्चाई है कि क्वाड में शामिल होने से रशिया के साथ भारत की दूरियां बढ़ गई हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत का क्वाड को ज्वाइन करना सही फैसला था या फिर गलत, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।